तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक चैप्टर वन सॉल्यूशन से, जिसका नाम है मोलैरिटी। क्योंकि हमने पहले नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है कंसंट्रेशन टर्म में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नया टर्म, जिसका नाम है मोलैरिटी। तो आइए देखते हैं हम लोग मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी है क्या, तो सॉल्यूशन में ये कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है, इसका यूज कब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड हमें दिख रहे हैं, एक है मोल और दूसरा है मोल और लैरिटी, यानी मोल और लैरिटी से मिलकर ये बना हुआ है मोलैरिटी। तो मोल मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल को दिखाता है ये। यहाँ पर जो मोल है ये नंबर ऑफ मोल की बात करता है, और लैरिटी डिफाइन करता है लीटर को। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मोलैरिटी है क्या, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का, उसमें कहीं ना कहीं हमारा लीटर आने वाला है और एक नया टर्म आने वाला है मोल। तो मोल के बारे में प्रीवियस क्लास में, जैसे क्लास 11 में पढ़े होंगे कि मोल क्या होता है, एक नंबर होता है या नंबर ऑफ पार्टिकल को दिखाता है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। जैसे अगर कोई लिख देता है कि वन मोल, तो वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। वन मोल में क्या होता है, इतने पार्टिकल्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ना क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी डिफाइन क्या करता है, तो इसका डिफिनेशन देखिए। तो मोलैरिटी लिखा हुआ है कि द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के एक लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, मोलैरिटी को। जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम क्या है, वन लीटर। अब इस वन लीटर में मान लीजिए सॉल्यूट के हम लोग क्या किए, दो मोल ऐड कर दिए, टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या, जैसे शुगर ऐड कर देते हैं, ठीक, दो मोल अगर शुगर ऐड कर दिए तो होगा क्या। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, इसकी मोलैरिटी को डिफाइन कर रहा है, यानी वन लीटर में दो मोल शुगर है, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन अ लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, ये चीज़ ध्यान रहे। तो यहाँ से फार्मूला हमारा बन के क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, ठीक। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसका जो सिंबल होता है, इसको दिखाते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, क्योंकि हमारा वर्ड आ रहा है एम, तो कैपिटल एम से इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट कहाँ से निकलेगा, तो यूनिट के लिए फार्मूला सफिशियंट है। तो फार्मूले में क्या लिखा है, मोल, मोल है और लीटर है, तो मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल का यूनिट भी क्या होता है, मोल, और लीटर के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं लीटर। तो इसका यूनिट क्या बन गया, मोल पर लीटर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक। एक यूनिट दूसरा दिया हुआ है मोलर, तो मोलर क्या डिफाइन कर रहा है, तो मोलर जैसे मोलैरिटी है तो यहां तक क्या लिख दिया, मोलर। तो यह भी हमारा यूनिट बन गया, ठीक है। तो मोलर भी एक यूनिट है, या कभी कभी क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम का। तो जनरली देखिए होता क्या है क्वेश्चंस में, ज़्यादातर अगर मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो वो इस तरह से लिखता है 0.2 मोलर, या कोई और मोलैरिटी है मान लीजिए दिया है 0.3 एम। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, मोलैरिटी को। तो जनरली यूनिट जो यूज होता है मोलर या एम, मोल पर लीटर ये वाला यूज ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मोलैरिटी की ही बात कर रहा है। इससे हम लोग तुरंत पता चल जाएगा कि मोल अपॉन लीटर यानी मोलैरिटी। यहाँ से थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है कि ये है क्या, ठीक है। तो जनरली क्या करता है, ये यूनिट देता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोलर या
कैपिटल एम, ठीक है, ये भी यूनिट की तरह है, इसका यूनिट भी कैपिटल एम है और सिंबल भी कैपिटल एम है। अगर मान लीजिए मोलैरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होते हैं चीज़ें और उस क्वेश्चन को कैसे अगर हम लोग सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एक मैं लिखता हूँ और इसमें मोलैरिटी निकालने के लिए पूछ रहा है, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि फाइंड मोलैरिटी of solution in which 2 gram of NaCl dissolve in 250 ml सॉल्यूशन, ठीक। ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन विच कंटेन 2 ग्राम NaCl, और 2 ग्राम NaCl कहाँ है, 250 ml में डिजॉल्व है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या किया है, ml में दिया है और यहाँ पे ग्राम दे दिया, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, मोल अपॉन लीटर दिख रहा है, तो ग्राम तो है नहीं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ होगा क्या कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसे क्या करता क्या है, उसे देता है किसमें, मोल में नहीं देगा कभी, ये जनरली करता क्या है, ग्राम में देगा या तो परसेंटेज में देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें दिया है, ग्राम में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मोल का एक नया फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो मोल का फार्मूला होता क्या है, तो आइए देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू फार्मूला होगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले का यहां पे हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हुआ तो आइए देखते हैं। तो यहां पूछ रहा है ना फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम का मतलब क्या हुआ, ये दिया क्या है, गिवन वेट। तो जो गिवन वेट है वो दिया हुआ है, इसे हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, मॉलिकुलर वेट को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो यहाँ पे वेट दे दिया 2 ग्राम। अब मॉलिकुलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए करते क्या है, मॉलिकुलर वेट या मोलर मास क्या होता है, जो चीज़ फॉर्मूले से निकले। तो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है NaCl, तो NaCl का मतलब सोडियम का वेट 23 और क्लोराइड कितना होता है 35.5, इसे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलर मास की यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल का सिंबल क्या होता है स्मॉल एन, तो यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। तो ये हो गया वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट आ गया 2 ग्राम, मॉलिकुलर वेट आ गया 58.5, ठीक। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है ग्राम, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो जो भी आएगा वो मोल में आएगा, तो मोल का यूनिट तो मोल होता है, पता ही है। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल वी से, इसको स्मॉल एन, इसे कैपिटल वी, और लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो बात करेंगे किसमें, लीटर में, दिया किसमें है ml में, तो क्या हो जाएगा 250 अपॉन 1000, ये किसमें कन्वर्ट हो गया,
चला गया लीटर में, क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि हमें पता हो गया ना नंबर ऑफ मोल पता हो गया, वॉल्यूम पता चल गया लीटर में, तो यहां पे निकाल देंगे अब मोलैरिटी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 2/58.5 और वॉल्यूम कितना आ गया 250/1000। ठीक, इसे कर देंगे सॉल्व, आ जाएगा आंसर। अब इसमें कुछ खास नहीं बचा हुआ है, ठीक है, ये रोटेट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2000 अपॉन ये इनटू 250। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है, मोलैरिटी में एक आइडिया मिल गया कि नंबर ऑफ मोल से कैसे नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होना जरूरी होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए, और मॉलिकुलर वेट भी क्या होगा, देखिए होता क्या है कि मॉलिकुलर वेट जैसे NaCl का नहीं दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है छोटा कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंपाउंड दे दिया, उसका क्या करेगा, पेपर में मॉलिकुलर वेट गिवन होता है तो उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मोलर मास, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंपाउंड दे दिया, सुक्रोज दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, तो उसका मॉलिकुलर वेट निकालने में टाइम बर्बाद होगा, तो वो गिवन रहता है। ठीक, तो अब हमारा देखिए आता क्या है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, इसी तरह नाम मिलता जुलता नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन केजी। तो मोलैलिटी का डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। ठीक है, वहाँ पे क्या था, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ क्या है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के गिवन वेट में सॉल्यूट कितने अमाउंट में डिजॉल्व है। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, मोलैलिटी को, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं हमें, और इसकी फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला वैसा ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं स्मॉल n से, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट को कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं, और ये ध्यान रहे वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए, न कि सॉल्यूशन। यूनिट की बात करेंगे तो उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर था, ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, या मोलर नहीं मोलल, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं मोलैलिटी, तो यहाँ पे आ रहा है यल, तो यूनिट में मोलर नहीं होगा, क्या होगा मोलल, और इसका सिंबल भी यूनिट हो सकता है स्मॉल m। ठीक है, तो ये हुआ मोलैलिटी। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वही नंबर ऑफ मोल जैसे मोलैलिटी में फाइंड आउट किए थे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके, यहाँ भी वैसे ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, वॉल्यूम देने की जगह यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा। ठीक है, जैसे होता क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी वेट की जगह क्या करता है, परसेंटेज दे देता है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया कि 20% W अपॉन W ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन दिया और बोल दिया कि फाइंड करिए इसकी मोलैलिटी, मोलैलिटी को कहा बोल दिया फाइंड करने के लिए, और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन है और उसकी मोलैलिटी निकालिए, तो 20% क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज इन सब चीज़ों के लिए, तो 20% क्या डिनोट कर रहा है कि 20 ग्राम, और लिखा क्या है W अपॉन W, तो 20 ग्राम किस में है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब हमको पता चल गया यहाँ पे कि है क्या कि 20 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट कितना बचा, क्योंकि हमको पता है ना कि सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो सॉल्यूट 20 है सॉल्यूशन 100 है, क्या बचा 80, तो वही क्या होगा सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट समझ लीजिए, मान लीजिए वाटर है तो सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। तो अब इसकी मोलारिटी पूछी हुई है, तो मोलारिटी अगर यहाँ फाइंड करने चलेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू यहाँ फार्मूला बन जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल वही चीज़ है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट पता चला गया 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180। ठीक, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम, 100 नहीं रखना है क्योंकि ये सॉल्यूशन का वेट है, तो सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। बोला क्या है, वेट इन केजी, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000। तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे नंबर सारे इजी हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये कट गया, ये हो जाएगा 1/9 इंटू, ये रोटेट कर जाएगा, 0 0 कट गया, 100/8, तो जाएगा 100/72। जहाँ भी इसको डिवाइड किए इतना मोलर, मोलारिटी निकालना है ना, इतना मोलर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो वेट है वो या तो ग्राम में देगा या तो परसेंट में देगा, तो वहाँ पे हमें ठीक है ये चीज़ पता होना चाहिए, मास परसेंटेज केवल। ठीक है, जनरली देखिए होता क्या है, कंसंट्रेशन टर्म में जो मास परसेंटेज वाला है वो सबसे यूज़फुल है, क्वेश्चन में उसी का यूज़ है, W/W वाले का। ठीक है, तो अगर ये पता है तो हमें मोलारिटी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन, नया कंसंट्रेशन टर्म आ गया मोल फ्रैक्शन।